रामचरितमानस के अनुसार श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बहुत ही सुंदर शहर था। शहर का लेआउट वेल प्लान्ड था। जगह जगह पर विशाल मंदिर और बगीचे बने हुए थे। सरयू नदी के होने के कारण वहां पानी की कोई कमी नहीं थी। यहां की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि वहां पर सभी अमीर थे। दूर दूर से आए व्यापारी यहां अपनी दुकानें लगाया करते थे। बाजार हमेशा ही ग्राहकों से भरे रहा करते थे। ये शहर कला, क्राफ्ट और कल्चर्स एक्टिविटी का एक परमानेंट सेंटर था। कई बड़े बड़े विद्वान और साधु संत भी यहां बसा करते थे, जिसके कारण शिक्षा और आध्यात्मिकता का यहां से एक मजबूत संबंध बन गया। अयोध्या उस समय सच में विश्व का महानतम शहर था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल बाद हजारों करोड़ों रुपए लगाकर अयोध्या को उसका खोया रूप, खोया वैभव लौटाया जा रहा है। उसे एक विश्व स्तरीय शहर में परिवर्तित किया जा रहा है। अयोध्या में ऐसा क्या जादुई परिवर्तन हो रहा है, चलिए जानते हैं हमारे इस खास वीडियो में। अयोध्या के परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रभु श्री राम का मंदिर, जिसकी विशेषताएं सुनकर हर कोई सम्मोहित हो जाएगा। राम मंदिर को वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है और चौड़ाई 250 फीट, और अगर लंबाई की बात करें तो 380 फीट यह मंदिर लंबा है। मंदिर में कुल 3 माले होंगे और प्रत्येक माले की ऊंचाई 20 फीट होगी और इसमें 44 दरवाजे होंगे। इस मंदिर में 392 पिलर हैं और इन पिलर्स में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। नागर शैली के अनुसार मंदिर को एक जगती पर बनाया गया है। जगती एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 16 फीट चौड़ी 32 सीढ़ियां बनाई गई हैं। विकलांग और बुजुर्गों के लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था मंदिर में की गई है। ये मंदिर अभी बन रहा है। प्रवेश से लेकर गर्भगृह तक 5 मंडप होंगे, कुट मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और उसके बाद कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप। मंडप एक बड़ा हॉल होता है जहां पर भजन, कीर्तन और बाकी धार्मिक गतिविधियां होती हैं। हर एक मंडप के ऊपर एक शिखर बनेगा और सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह पर बनकर तैयार हो गया है। राम मंदिर के चारों तरफ कुल 2400 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक चौकोर चार दीवारी बनी है, जिसे परकोटा कहा जाता है। परकोटा के चारों कोनों में सूर्य देव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव का मंदिर बन रहा है। उत्तर दिशा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिण दिशा में हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। राम मंदिर और बाकी का एरिया मिलाकर अगर पूरा मंदिर क्षेत्र को नापा जाए तो पूरा 70 एकड़ है। लेकिन इस 70 एकड़ में केवल 30 एकड़ में ही मंदिर का काम किया गया है। बाकी 40 एकड़ में केवल पेड़ पौधे हैं, जिसका मेन मकसद है पर्यावरण और जल संरक्षण। इसी राम मंदिर में रामायण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख किरदार जैसे कि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, माता सबरी और देवी अहिल्या के भी मंदिर बनाए गए। श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ कई सुविधाएं दी गई हैं, जैसे 25,000 लोगों के लॉकर और हॉस्पिटल की सुविधा। यहाँ पर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग दर्शन करने आएंगे, इसलिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने भाषा विशेषज्ञ की एक टीम बनाने का फैसला लिया है, जो भारत और विश्व की अलग अलग भाषाएं बोलने वाले भक्तों की सहायता करेंगे। जब श्री राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा मंदिर होगा और पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी। प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो अब यहाँ प्रतिदिन 3 से 5 लाख भक्तों के आने की उम्मीद शुरू हो चुकी है और लगभग इतने आ भी रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को अयोध्या में पहुंचाने के लिए कमाल की पहल की जा रही है। सबसे पहले तो 240 करोड़ रुपए लगाकर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। इस 3 मंजिला स्टेशन में वॉशरूम, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल, एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन सबसे विशेष है स्टेशन का डिजाइन, जो खुद श्री राम मंदिर से प्रेरित है। स्टेशन के ऊपर नागर शैली में 2 शिखर बनाए गए हैं और स्टेशन के केंद्र का गुम्बद प्रभु श्री राम के मुकुट से प्रेरित है।
30 दिसंबर 2023 को इसी स्टेशन से दो अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई थी। कुल मिलाकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं दिखता। रेलवे स्टेशन की तरह अयोध्या का एयरपोर्ट भी श्री राम मंदिर से प्रेरित है। एयरपोर्ट का नाम रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट बाहर से तो परंपरागत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उतना ही आधुनिक है। एयरपोर्ट के अंदर फाउंटेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर वाटर प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे आधुनिक विशेषताएं दी गई हैं। इसी विशेषताओं के कारण इस एयरपोर्ट को दुनिया में 5 स्टार रेटिंग मिली है। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि लोकल आर्ट और पेंटिंग्स के जरिए प्रभु श्री राम के जीवन को दिखाया गया है। दरअसल एयरपोर्ट पर उतरते ही लोगों को एहसास हो जाएगा कि वो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में पधार चुके हैं। एयरपोर्ट का मकसद है हर साल 10 लाख यात्रियों को केटर करना। अयोध्या की सड़कों पर भी तेजी से काम हो रहा है। अयोध्या की राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही को जोड़ने के लिए अयोध्या जगदीश 330 हाईवे अयोध्या अकरपुर बसखरी 4 लाइन हाईवे बनकर तैयार है। करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या के चारों ओर 70 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई गई है और अयोध्या में राम मंदिर तक आवाजाही को बढ़ाने के लिए राम पथ, लक्ष्मण पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, श्रद्धा पथ और भ्रमण पथ बनाए गए हैं और 400 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय बस स्टेशन भी बनाया गया है। और अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जा रही हैं। रेलवेज, एयरवेज और रोडवेज के बाद अब बात करते हैं वाटरवेज की। दोस्तों, आप इन सभी रास्तों के अलावा पानी के रास्ते भी अयोध्या धाम तक पहुंच सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की पहली और भारत की दूसरी वाटर मेट्रो का उद्घाटन कर ये साबित कर दिया है कि अयोध्या सबसे अलग है और ये चमकता शहर अपनी महानता वापस प्राप्त कर रहा है। ये दो मेट्रो अयोध्या से वाराणसी के बीच चलेंगे। पानी पर चलने वाली वातानुकूलित इन मेट्रो में एक बार में 50 यात्री यात्रा कर पाएंगे। इस यात्रा के दौरान आपको एक अलग ही अनुभव होगा, वो भी काफी कम पैसे में। इन सभी सुविधाओं को देखते हुए लोगों का अयोध्या आना काफी आसान हो जाएगा और हो भी गया है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अयोध्या में इतने सारे लोग आकर कैसे रहेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। इन टेंट सिटी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 होटल रूम बनाने जा रही है। होटल बनाने के हजारों एकड़ जमीन के लिए आवेदन किए जा चुके हैं। अयोध्या में पर्यटकों की बाढ़ को देखते हुए एक कम बजट से लेकर 5 स्टार होटल तक बनाने शुरू हो गए हैं। सरकार का विजन है कि अयोध्या को एक ग्लोबल आध्यात्मिक राजधानी बनाना और भारत की संस्कृति और परंपरा को लोगों के सामने एक सुंदर तरीके से दिखाना, और इसकी झलक आपको अयोध्या में प्रवेश के साथ ही देखने को मिलेगी। अयोध्या तक जाने वाले सभी हाईवे पर बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और ये गेट भी प्रभु श्री राम के मंदिर से प्रेरित हैं। दोस्तों, आपको ये प्रभु श्री राम के मंदिर से जुड़ी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ी बाकी जानकारी हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राम।